दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से यूपीएससी एसएससी इन सब के इंटरव्यूज आसान तरीके से समझ के और क्लियर कर सकें। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और काफी स्टूडेंट से इसके बारे में बात की, तो आई एम श्योर सबको लगभग बहुत सी बातें पता ही होती हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे करना होता है। लेकिन मुझे लगा यार, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो उसमें कुछ सेम ही रहते हैं, लेकिन वो हमें बिल्डअप खुद से करना होता है। आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम श्योर कि अगर आप ये बातें जान लेंगे तो यार इंटरव्यू ही नहीं लगेगा और वो इजीली क्लियर। तो दोस्तों, नंबर वन पे आता है कि खुद को पहचानी है, नो योर सेल्फ। हम हमेशा अक्सर ये बातें करते रहते हैं, अब हमें कोई पहचान ना पाया, अब हमारी तो बात ही अलग है। कहीं ये सारी बातें हम भूल के ना खुद को ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या है। मैं सच कहता हूँ, ये रियलिटी है। अगर ये बात मैं कह पा रहा हूँ इतनी कॉन्फिडेंस से, तो इसलिए क्योंकि मैंने एवरी ईयर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट को ये एहसास दिलाता हूँ कि जो सामने वाला तुम्हें पढ़ा रहा है वो तुम्हारे बोर्ड के लिए सही सिलेबस और सही तरीके से तुम्हें बता रहा है। और ये कॉन्फिडेंस और ये सही तरीके से बतलाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल राइट है कि हम खुद को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या कमियां हैं, किस चीज को हमें ठीक करना है, कितना टाइम लगेगा। ये सारी बातें हम इग्नोर कर देते हैं, कहीं ना कहीं रटी रटाई चीजों पे हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक लेके आप अपने आप को पहचानिए कि हमें क्या कमियां हैं। आई एम श्योर हर एक की कमियां अलग हो सकती हैं। किसी की कमियां लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं होगा, कोई किसी के सामने बोल नहीं पाता होगा, कोई किसी के सामने बहुत डरा हुआ महसूस करता होगा। ये सारी चीजें होती हैं, तो हमें इस चीज को ठीक करना है। अब दोस्तों, सेकंड नंबर पे आता है कि रीड योर बायोडाटा केयरफुली और डोंट लाई। दोनों में एक साथ ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम ना क्या क्या हमने किया है वो हम खुद भूल जाते हैं। तो अपने बायोडाटा को हमेशा पढ़ते रहिए और जो भी बातें करिए, अगर सामने वाला आपसे कुछ पूछता है तो उसको घुमा फिरा के आंसर ना देने की बजाय जो भी बोलना है, जो आप सोचते हैं उस विषय पे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एक ने कहा कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन मुझे इस बात का गम नहीं, मैं खुश हूँ। किसी भी मुद्दे पर मैं 30 से 40 मिनट बोल सकता हूँ। किसी भी चीज को सही और गलत तरीके से समझने की सोच आ गई है मुझमें। तो जब आप आईएएस का इंटरव्यू, आईएएस एग्जामिनेशंस इतने टाइम से कंडक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे तो आई एम श्योर वो बहुत सही और सटीक ही होगा, सिवाय इसके कि आप बहुत कुछ सोचने लग जाए। इसीलिए अपने दिल से आंसर्स दीजिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई हिंदी में दूं या इंग्लिश में, हिंदी में दूं या इंग्लिश में। मेरा ऐसा मानना है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं कि आप किस में दें, उसका मतलब ये है कि जिस भी चीज को आप बोल पा रहे हैं क्या सही तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं। इस चीज की प्रैक्टिस आपको बहुत बार करनी पड़ेगी। इंग्लिश नहीं आती है तो सीखिए, बहुत सी बातें हैं, कोई भी चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं हो सकती। आप इंटरव्यू कंडक्ट के लिए पहले से उस चीज की प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर कि जब आप पहली बार खुद से सेल्फ प्रैक्टिस दे रहे हो तो अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उस चीज में बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी कि हाँ यार, इस चीज को मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। तो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन है, कैमरा है, आप लगा के अपनी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, तो आप सेल्फ क्यों नहीं कर सकते। 10 क्वेश्चंस अपने फ्रेंड से बनवाइए, उससे बुलवाइए और उस चीज पे आप अपनी राय रखिए। देखिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। सामने वाले को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उस चीज को हिंदी में या इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, फर्क ये है कि आप उस चीज को किस तरीके से बोल रहे हैं। किसी भी चीज के बारे में आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट आता है रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको करंट अफेयर्स से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। इसके लिए आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, बीबीसी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स। एज कम्पेयर टू न्यूज देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा बेटर है, मेरा ऐसा मानना है। थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन इससे बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी। और हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं इस चीज को ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इंटरव्यूज में ऐसी चीजें बार बार पूछी जाती है। मैंने कई ऐसे इंटरव्यूज देखे जहाँ पे आर्टिकल पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, जितने भी इंग्लिश आर्टिकल्स थे। तो आप इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल्स को हमेशा पढ़िए। और दोस्तों, नेक्स्ट है कि यार अपनी हॉबी के बारे में आप क्लियर कट रहिए। अगर सामने वाला आपसे पूछता है कि आपकी हॉबी क्या क्या है,
तो आपको पता होनी चाहिए, ये नहीं कि आप आंख बंद करें सोचें फिर जवाब दें। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए बेस्ट फिल्म कौन सी है तो फिर आप अपनी आंखें बंद करें सोचें फिर जवाब दें। नहीं, ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। नहीं है तो पता करिए आपके फेवरेट फूड कौन सा है, फेवरेट फिल्म, फेवरेट सॉन्ग, आपकी हॉबीज क्या है, ये सारी बातें आपको क्लियर मालूम हो। जब सामने वाला क्वेश्चन करे उसके एक सेकंड बाद आप उसका जवाब दें। इससे ये बात साबित होती है कि आप अपने बारे में सही से सभी चीज जानते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट आता है वेल ड्रेस। ये बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं तो सबसे पहले आपकी पहचान आपके ड्रेस से होती है। अगर एक म्यूजिशियन है, कॉन्सर्ट करने जाता है, तो उसका ड्रेस कुछ उस टाइप से ही होता है, लोग समझ जाते हैं कि भाई यही बंदा गाने गाएगा। तो वैसे ही जब कभी भी आप ऐसी जगह पर जाएं तो अपने वेल ड्रेस रहें। टाई कैसे बांधनी है, आउटफिट कैसे लेना है, शर्ट कौन सी रखनी है। और हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी आप ऐसे इंटरव्यूज में जाएं तो यार ब्रांडेड शर्ट जरूर पहने। नहीं ले पा रहे हैं तो भाई कुछ दिन रुक के, लेकिन लो जरूर ऐसे इंटरव्यूज में हमेशा ब्रांडेड चीजें पहन के जरूर जाइए, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इस पे आपका तर्क अलग हो सकता है, पर मेरा ऐसा खुद का मत। तो लास्ट में आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि जो निकल पड़े हो सफर में तो फिर सोचना क्या, कहीं नदी तो कहीं समंदर भी आएंगे। क्या कभी परिंदे ने सोचा था कि पत्थर उसकी तरफ भी आएंगे? तो कुछ चीजें होंगी, उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है, ये सारी चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं। अगर ये नहीं होंगी तो खुशी का मजा ही कैसे आएगा। आई एम श्योर कि आपको ये सारी बातें समझ आई हो। कैसा